प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पंचायतों व पानी समितियों के साथ किया संवाद। नागरिकों के श्रम से स्वच्छता के कई कठिन लक्ष्यों को किया गया हासिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड के बावजूद 5 करोड़ से अधिक परिवारों को दिए गए नल जल कनेक्शन। कहा, पानी जैसी बुनियादी सुविधा देश की अर्थव्यवस्था को बदलने की रखती है ताकत। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय सशक्त पुलिस बल द्वारा साइकिल रैली का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 7500 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान ये रैली स्वतंत्रता आंदोलन व स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरेगी। राष्ट्र ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि की अर्पित। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गांधी जयंती की दी शुभकामनाएं। बिहार सरकार ने आज गांधी जयंती के अवसर पर 35 लाख लोगों को कोविड रोधी टीका लगाने का मेगा टीकाकरण अभियान का किया आयोजन। करीब 15,000 टीकाकरण केंद्र किए गए स्थापित। केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत नैनो यूरिया का वाणिज्य उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना। प्रमुख सहकारी इफको ने ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया छिड़काव करने का किया सफल परीक्षण। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 89,74,00,000 से अधिक टीके लगाए। स्वास्थ्य होने की दर हुई 97.86%। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर के बीच होगा आयोजित। भारतीय सेना के 120 हथियारबंद जवान इस अभ्यास में लेंगे हिस्सा। अब खबरें खेल जगत से। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से शारजहां में जारी। दूसरे मुकाबले में आज रात राजस्थान रॉयल्स व चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने।